1000 किलोमीटर, 30,000 steps और 13,000 feet चढ़ने के बाद भी आई स्टिल फील सो अलाइव। अगर आज आप कुछ तूफानी करने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। पहलगाम इज ब्लेस्ड विद एवरी पॉसिबल नेचुरल पिनकल। अब इनमें से ज्यादातर तो हमें पता ही हैं, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू व्हिच आर रिलेटिवली सीक्रेट एंड सीरीन। लाइंग अमिड स्नो कवर्ड माउंटेन्स इज अ फ्रेश वाटर एल्पाइन लेक कॉल्ड तुलियन। The 16 kilometers long trail to this alpine gem goes through dense forest and wide meadows. Trek aasan to nahi hoga, but then nothing spectacular comes easy. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Generally, not tricky. बीच में या ट्रैक के लास्ट पार्ट में लगता है कि क्यों कर रहा हूँ यार, व्हाई एम आई डूइंग दिस। बट आज पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में ही ना थोड़ी सी नर्वसनेस है। आई थिंक मे बी द मैग्निफिसेंस ऑफ द कश्मीर हिमालयाज आर क्वाइट इंटिमिडेटिंग। इट विल बी फन। समटाइम्स यू नीड टू गो टेक अ स्टेप बैक the truth around you, from a distance you can tell. सब यहाँ बर्फ में भी होता है क्या ये ट्रैक? जी सर जी, जी आप करते हो बर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिसंबर से शुरू हो जाता है बर्फ। हाँ। तो बर्फ में भी आते रहते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा बर्फ पड़ता है, उसके बाद बर्फ सख्त हो जाता है, तो बर्फ के ऊपर ऊपर से चलते रहते हैं, ज्यादा इन बर्फ के नीचे नहीं जाए। बर्फ में तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। होता है मुश्किल, किसी जगह से घसीट के चलते हैं, किसी जगह से क्या होता है। इस साल में राजस्थान के लड़के 2-3 को लेकर आया था। हाँ। तो फिर भाई सर हम पहुंचे थे, फिर हमने शॉर्टकट लगाया, फिर फिसल के हम गए इसमें बर्फ में, पूरी बर्फ में गए हम नीचे। शॉर्टकट था तो थोड़ा हमको ईजी हो गया। Meant to be in the great outdoors, forever free. तो करीब 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद आता है ट्रैक का पहला स्टॉप बायसरन। यहाँ लोकली इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बट अभी हमारी मंजिल काफी दूर है और क्योंकि अभी यहाँ से ट्रेल और भी स्टीप होने वाली है, तो इट्स बेटर टू कीप द मोमेंटम गोइंग। कितना परसेंट हो गया हमारा ट्रैक अभी? हमारा हो गया 40%। 40% जितना? 60 बताया। 60 बताया जी सर। तो आपकी लैंग्वेज में, गुजरी में, गुजरी में 40 भूख लगी है, इसको क्या बोलते हैं? भूख लग गई। भूख लग गई, तो ये तो बड़ा पंजाबी है यार, मैं तो यार रह सकता हूँ। भूख लग गई, भूख लग गई पंजाबी में भी सेम ही है, भूख लग गई।
अभी तक का सफर आपको मस्त सूदिंग लगा होगा ना, जो दिखता सूदिंग है ना उसमें हमारी लग जाती है। कोई नहीं, हम मेहनत कर लेते हैं, आप सिनेमैटिक सीक्वेंस एंजॉय कर लो। का साइज देखो यार, बस ऐसा हो कि अपने ऊपर ना गिरे। क्या चीजें मिलती हैं यार जंगल में, आई मीन लुक एट द कलर यार इसका, लुक एट दिस, नो आइडिया, बाहर जैसे पाइन कोन जैसा लग रहा है बट आई डोंट थिंक ये पाइन है, एकदम डिस्टिंक्ट सा कलर और नो आइडिया व्हाट इज इट, एंड बहुत ही फ्रूटी सिट्रसी, मन कर रहा है इसको चू करने का बट भाई चू से अपना ही चू हो गया ना तो लग जाएगी। ये बिल्कुल ताज़ा ही। अच्छा हाँ, ये इसका होगा बीज, ये बीज है इसका, इसी से पेड़ उगता है इसका। अच्छा हाँ, इसका जो ये भूसा होता है ना इसमें ये अपना आप लग जाता है, ये देखो इसका बीज है, ये बीज है, ये बीज है, ये पक्का होगा फिर ये ब्राउन हो जाएगा, फिर ये अपने आप इसमें गिरता है और उगता है। खोदेगा ये नरम जमीन में है ना, तो इसमें से निकाल के पत्थर पर डालेगा, सूखेगा तो सूखने के बाद फिर वो जो भी ये नवंबर का महीना आता है बर्फ़ पड़ना शुरू होता है, खाता खा के तो सो जाता है, सो रहता है जब भर गड़गड़ आसमान में आवाज़ आएगी मार्च के महीने में तो फिर उठे। नूर साहब के साथ ट्रैक करने की सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, एक रिलायबल और नॉलेजेबल गाइड होने के साथ साथ उनके पास हर जगह से जुड़े कुछ ना कुछ किस्से जरूर होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे किस्सों से सफर भी कटता रहता है और कहानी भी बनती रहती है। पांच घंटे के असेंट के बाद फाइनली आई थिंक अपना असेंट खत्म, अब प्लेन है एंड देन द फाइनल असेंट टू द लेक, वी आर गेटिंग देयर। कहते हैं ना ट्रैवल करने से क्या सीखते हैं, हमने अभी आई थिंक पिछली सीरीज़ में ही लैंडोर में जब थे तो जेमी ने हमें बिच्छू घास दिखाई और बताया कि ये लग जाती है तो इट स्टिंग्स और इचिंग होती है, चुभन होती है। अभी मैं यहाँ बैठा था, ऐसे हाथ रखा, थोड़ा सा फिसल गया और देखा नीचे बिच्छू घास थी, हाथ सीधा गया उस पर, तो अब जल तो रहा है बट सीन क्या है कि जेमी ने इसका तोड़ भी बताया था, एंटीडोट कि इसके साथ ही होते हैं ये वाले पत्ते, और अब इनको तोड़ा तो लगा लिया, तो होपफुली थोड़ा सा बेटर हो जाएगा बट चुभ तो रहा है। मेरी आधी थकान तो तुलियन वैली पहुंचते ही उतर गई, लश ग्रीन मेडोज, देवदार फॉरेस्ट टचिंग द ब्लू स्काई, गर्गलिंग वाटर स्ट्रीम्स एंड द पैनोरमा ऑफ माउंटेन्स, दिस इज सच अ साइट टू बिहोल्ड।
सच बताऊं तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड जब आज सुबह नूर साहब ने कहा कि हम लेक पे नहीं वैली में कैंप करेंगे। ऑल दिस वाइल आई वॉज थिंकिंग कि वैली में क्या ही मजा आएगा, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई एम प्रूवन रॉन्ग। दिस लाइट फ्रॉम द सेटिंग सन स्ट्राइकिंग ऑफ अगेंस्ट द माउंटेन्स एंड इमर्सिंग इटसेल्फ इन द गशिंग वाटर्स हैज मेड मी रियलाइज दैट हाउ लकी आई एम टू विटनेस दिस मैजिक ऑफ नेचर। कल भी चढ़ाई थी यार, लेकिन आज ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अभी तो इतना हैवी लग रहा है, एंटायर बॉडी इज हैवी, वी आर लेयरिंग 4 layers। गुड मॉर्निंग। As if things weren't already tough, बारिश शुरू हो गई। Thankfully यहाँ पे there was this shepherd's hut, तो अभी वहाँ पे भी have taken shelter। हमारे cinematographer साहब देखो अच्छे से कंबल में cozy हो गए हैं यहाँ पे। नूर साहब हमारे लिए चाय का इंतज़ाम करते हुए, आपका नाम क्या है? सरफराज। सरफराज देखो सुबह सुबह आटा गूंद रहा है। और सरफराज आप कहाँ से आए हो? रामबन से। तो रामबन इज ऑलमोस्ट आई थिंक ऑन द वे टू जम्मू, तो मस्ट बी आई एम नॉट सो श्योर बट 100-150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। जनाब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा ना यहाँ आना लिखा था। आप ये देखो कि जैसे ही आपके घर के पास हट के पास पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई। जी मैं अपना माल मवेशी को चराने के लिए यहाँ आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ का घास वगैरह अच्छा है इसलिए यहाँ आता हूँ। 2-2.5 महीने के लिए फिर वापस चला जाएंगे समझो। 10 महीने तो अपने बच्चों परिवार वार के साथ रहना है। 2 महीने शौक के लिए घूम के भी जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे घूमने के आए हैं यहाँ घूम भी जाएंगे और अपने माल मवेशी को भी चरा लेंगे। 2 बेनिफिट हैं इसके। लेकिन आज ये हमें आसरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भीगते हुए जाते और मौका भी देखिए ऐसे कि एकदम शुरू भी हुई आपकी हट के एकदम सामने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बोलेंगे तो ही मालिक है, भगवान बोलेंगे तो वही मालिक है, परमात्मा बोलेंगे तो वही मालिक है, अल्लाह बोलेंगे तो वही मालिक है। नाम एक ही है, जुबान को चेंज ही करना है। ये देखो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने इतनी सिंपल सी लाइन में ना इतनी बड़ी बात बोल दी कि एट द एंड ऑफ द डे वो मालिक एक ही है। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि किसके पास कितना ऐशो आराम है, किसके पास कितनी दौलत है, फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन इंसान वो शेयर करने को तैयार है। ये हमें चाय भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, बारिश से भी बचा रहे हैं। मेरे लिए आई मीन दिस इज व्हाट आई ट्रैवल फॉर, और दैट्स व्हाट अनट्रैवल इज ऑल अबाउट। दैट्स आवर डेस्टिनेशन, स्नो कैप पीक जो दिख रहा है, नॉट स्नो कैप बट द लेयर ऑफ स्नो, उसके नीचे है तुलियन लेक। I don't want to, in the end I don't want to say so near yet so far, इसलिए we are taking our own time। धीरे धीरे कट जाएंगे रास्ते।
लाइफ में ऐसे कई सारे सफर होंगे जिसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे और शायद एक टाइम ऐसा भी आए कि वापस मुड़ने का मन करे। तब बस ये याद रखना है कि धीरे धीरे ही सही, बस आगे बढ़ते जाना है। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर स्टॉप ट्राइंग। योर डे विल कम।